हेलो गाइस, i7 है। तो थैंक यू गाइस सो मच, आप लोग ने इतना प्यार दिया कि पिछला वाला वीडियो में मैंने बोला था कि 730 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो और आप लोग ने 733 कर दिया। तो थैंक यू गाइस सो मच। एक आप लोग इतना सपोर्ट करते हो ना, हर एक वीडियो में कमेंट करते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके आप लोग आपका फीडबैक देते हो, लाइक कौन सा डिवाइस लेना चाहिए कौन सा डिवाइस नहीं। तो फिर आप लोग हर एक वीडियो में कमेंट करिए, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा। तो गाइस आज का सब गोल रहेगा 740 सब्सक्राइबर। गाइस आप लोग देख रहे हो वीडियो, तो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो में कमेंट किए थे कि 90 FPS अवेलेबल है कि नहीं iPad 8 जेन और iPad Air 4 जनरेशन के लिए। तो गाइस iPad 8 जेन और iPad Air 4 जेन के लिए 90 FPS आपको देखने को मिल जाएगा पबजी के अंदर, लेकिन iPad मिनी 5 में आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलेगा, आपको स्मूथ में एक्सट्रीम तक ही मिलेगा। और आपको HD और HDR में और अल्ट्रा HD में आपको अल्ट्रा तक ही आपका FPS देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम का कोई भी ऑप्शन नहीं है iPad मिनी 5 में, लेकिन आपको iPad का जो 8 जनरेशन होता है उस पर आपको स्मूथ में 90 FPS का फ्रेम रेट आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग इस टाइम में सोच रहे होंगे कि 90 FPS और एक्सट्रीम का क्या बेनिफिट रहता है पबजी खेलते टाइम। तो गाइस FPS क्या होता है कि आपका फ़ोन का स्क्रीन में जितना फ्रेम्स पर सेकेंड में डिस्प्ले हो रहा है उसको आप लोग FPS बोलते हैं, फ्रेम्स पर सेकेंड। तो फिर अगर जो एक्सट्रीम रहता है वो पबजी का बाय डिफ़ॉल्ट आपका 60 FPS में रहता है एक्सट्रीम में। हर एक डिवाइस का जितना भी एक्सट्रीम डिवाइस मतलब डिवाइस में एक्सट्रीम FPS अवेलेबल है सब में 60 FPS देखने को मिलता है, लेकिन अगर 90 FPS जाता है तो डिवाइस का जो पोटेंशियल है कि इतना फ्रेम्स लेने का, तो 90 फ्रेम्स तक वो डिवाइस आपका एक सेकेंड में डिस्प्ले करता है आपका स्क्रीन में। तो इसीलिए वो इतना स्मूथ लगता है। और आप लोग अगर आपके सामने कोई भी बंदा जिगल कर रहा होगा तो आप लोग उसको इजीली ट्रैक कर पाओगे। तो यही फ़ायदा होता है FPS का। तो इसी के चक्कर में देखना, लाइक पबजी में धीरे धीरे जब डेवलप हो रहा है पबजी, इतना अभी फ़िलहाल 90 FPS आया है, और देखना है एक दो अपडेट के बाद जब 120 FPS आ जाएगा और सब डिवाइस में अवेलेबल होगा 120 FPS और 90 FPS, तब देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, सब लोगों का स्किल लेवल और थोड़ा बढ़ेगा। लाइक अभी क्या होता है, बहुत बंदों का स्किल लेवल है लेकिन वो लोग का फ़ोन के कारण जो फ्रेम रेट रहता है उसके कारण बंदे मार नहीं पाते हैं। ये बहुत लोगों का देखा हो, जब भी वो लोग फ़ोन अपग्रेड करते हैं तो वो लोग का जो खेलने का तरीका होता है वो भी बहुत इंप्रूव होता है। लाइक मेरा भी जो पहले डिवाइस था उससे अच्छा बेटर मैं अभी खेलता हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ कि हाँ मैं अभी बेटर खेलता हूँ, कि ऑब्वियसली दिख रहा है। मैं पहले मेरा फ़ोन में इतना अच्छा डिवाइस में 60 FPS कॉन्सेंट नहीं चलता था, 1+60 में इतना फ्रेम्स नहीं देता, 35 या 40 देता था फ्रेम्स। तो उसमें क्या होता था कि जो भी बंदा आईफोन में खेल रहा होगा या आईपैड में खेल रहा होगा मेरे को पेल के चला जाता था एक बार में, तो ये तो होता था। तो यही फ़ायदा है फ्रेम रेट का। तो गाइस शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने FPS भी एक्सप्लेन किया, और आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि 90 FPS अवेलेबल है कि नहीं iPad 8 जेन और iPad का जो 4th जनरेशन है iPad Air का, तो शायद उसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है। तो चलिए गाइस आज तक का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।